हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं सी प्रोग्रामिंग एंड कोडिंग फॉर बिगनर्स की वीडियो सीरीज़। यह वीडियो सीरीज उन स्टूडेंट्स के लिए है जो सी लैंग्वेज की कोडिंग सीखना चाहते हैं। तो बने रहिए हमारे इस चैनल पर। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए ताकि इसी तरह का वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा, क्योंकि इस चैनल पर आपको बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम देखेंगे स्विच स्टेटमेंट विदाउट ब्रेक और स्विच स्टेटमेंट विद ब्रेक। तो सबसे पहले हम देखेंगे स्विच विदाउट ब्रेक कीवर्ड का यूज करके। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम कमेंट्स लिखते हैं। तो कमेंट्स हर वीडियो में हम आपको बताते हैं कमेंट किस तरह से लिखते हैं, क्योंकि इम्पोर्टेंट है। फॉरवर्ड स्लैश स्टार प्रोग्राम ऑफ स्विच स्टेटमेंट विदाउट ब्रेक, ओके। और यहाँ पर आप कमेंट क्लोज करेंगे, ओके। ये हमारा कमेंट कंप्लीट हो गया। अब हम स्टार्ट करते हैं हेडर फाइल से। हैश इंक्लूड स्टडियो डॉट एच हैश इंक्लूड कॉनियो डॉट एच वाइड मेन। तो यहाँ तक अपना कॉमन रहता है। इसके बाद अब स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हम लेंगे इंटीजर आई, ओके। सपोज मैंने यहाँ पे इंटीजर आई इज इक्वल टू 2 लिया, ओके। आप प्रिंट एफ स्कैनएफ से भी आई की वैल्यू दे सकते हैं। पहले हम सिंपल प्रिंट करते हैं, उसके बाद हम थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करेंगे, ओके। स्विच आई, अब यहाँ पर हम स्विच की बॉडी बॉडी स्टार्ट करेंगे। इस स्विच के अंदर हम क्या यूज़ करने वाले, यहाँ पर हम केस बनाएंगे, अलग अलग केस। तो सबसे पहला हम केस बनाएंगे केस वन, फिर हम सेमी कॉलन का यूज़ करेंगे। उसके बाद केस वन में हम क्या प्रिंट करना चाहते हैं वो लिखेंगे। तो हम लिखेंगे प्रिंट एफ यू आर इन केस वन, ओके। अभी हम सिंपल प्रोग्राम बना रहे हैं, ओके। इसके बाद हम केस टू लिखेंगे, केस टू सेमी कॉलन, सेम आप बनाएंगे। इसमें प्रिंट एफ लिखेंगे, प्रिंट एफ यू आर इन केस टू। इस तरह से आप केस बना लेंगे, चार तीन चार केस बना लीजिए। केस थ्री, फिर आप यूज करेंगे प्रिंट एफ, प्रिंट एफ यू यू आर इन केस थ्री, ओके। एक केस और बना लेते हैं, केस फोर, ओके। फिर इसमें हम लिखेंगे प्रिंट एफ यू आर इन केस फोर, ओके। अब हमारे केस कंप्लीट हो गए। अब हम एक डिफॉल्ट बनाएंगे, क्योंकि यदि यदि हमारी जो वैल्यू है केस से मैच नहीं होती तो वो डिफॉल्ट वैल्यू या डिफॉल्ट स्टेटमेंट प्रिंट करेगा। डिफॉल्ट और सेमी कॉलन, फिर यहाँ प्रिंट करेंगे प्रिंट एफ यू आर इन डिफॉल्ट, ओके। या यू आर इन रॉन्ग रॉन्ग केस, या यू इनपुटेड रॉन्ग वैल्यू, इस तरह से भी आप लिख सकते हैं।
तो सिम जो भी आपको अच्छा लगे डिफॉल्ट। ओके, अब यहाँ पर हमारा ये स्विच केस कंप्लीट हो गया। तो अब यहाँ पर हमने क्या ब्लॉक्स में लिखा है, तो हम यहाँ पर क्लियरली आपको दिख जाएगा कि स्विच का भी बॉडी क्लोज करेंगे उसके बाद फिर मेन फंक्शन की। तो यहाँ मेन फंक्शन में हम गेट सी एच भी लिख लेते हैं और फिर यहाँ पे आपका मेन क्लोज हो गया। अब इसको हम पहले कंपाइल करते हैं। ओके, चलिए ऑल्ट प्लस F9 से हम इसको कंपाइल करते हैं। ओके, इसके बाद हम रन करते हैं कंट्रोल प्लस F9 से। ओके, तो यू आर इन केस 2, यू आर इन केस 3, यू आर इन केस 4, यू आर इन केस और यू आर इन डिफॉल्ट। ओके, अब इन आउटपुट्स को हम क्लियरली नहीं देख पा रहे तो हम स्लैश एन का यूज़ कर लेते हैं। उसके बाद हम इसको फिर से रन करेंगे और फिर से हम आउटपुट देखेंगे। ओके, स्लैश एन ताकि हर स्टेटमेंट न्यू लाइन से प्रिंट होगा। स्लैश एन और यहाँ पर हम एक न्यू क्लियर स्क्रीन भी लगा लेते हैं ताकि जो ओल्ड आउटपुट है वो क्लियर हो जाएगा, तो हमें जो फ्रेश आउटपुट है वो प्रिंट होगा। CLRSCR इस तरह से हम फ्रेश आउटपुट देखते हैं ताकि हमें ओल्ड आउटपुट से कन्फ्यूजन भी नहीं होता। चलिए अब इसको हम कंपाइल करते हैं। ओके, इसको अब हम रन करते हैं। अब आप देखिए यू आर इन केस 2, केस 3 और केस 4, यू आर इन डिफॉल्ट, मतलब आपको सारे केस प्रिंट हो चुके हैं क्योंकि आपने यहाँ पर वैल्यू दी है इंट आई इज इक्वल टू 1। ओके, अब आप कीबोर्ड से भी वैल्यू दे सकते हैं तो इसमें हम थोड़ा सा मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। यहाँ पर जैसे हम लिखते हैं कि प्रिंट एफ एंटर वैल्यू। ओके, सपोज यहाँ पर हम एक सिंपल मैसेज प्रिंट करेंगे एंटर वैल्यू और यहाँ पे हम 2 यहाँ पर रिमूव कर देते हैं क्योंकि अब हम इसको कीबोर्ड से वैल्यू एंटर करेंगे। ओके, जो हमारी चॉइस की वैल्यू रहेगी स्कैन एफ, स्कैन एफ परसेंट डी, सॉरी परसेंट डी और एड्रेस ऑफ आई या एम परसेंट आई। ओके, अब यहाँ पर हम जो भी वैल्यू आप इसमें एंटर करेंगे, अभी हमारी जो प्री डिफाइंड वैल्यू थी 2। ओके, अब यहाँ पे हम चॉइस की वैल्यू यहाँ पर हम एंटर करेंगे उसी के अकॉर्डिंग ही आउटपुट आएगा। चलिए पहले इसको कंपाइल करते हैं, अब हम इसको रन करते हैं। अब एंटर वैल्यू, तो यहाँ पर हम सपोज जैसे मैं 4 वैल्यू एंटर करता हूँ तो यू आर इन केस 4 और यू आर डिफॉल्ट क्योंकि अब 4 के बाद कंटिन्यू प्रिंट हुआ क्योंकि अभी हमने ब्रेक का यूज़ नहीं किया। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आप जैसे मैंने 4 एंटर किया तो 4 के बाद जितने भी केस होंगे वो सारे प्रिंट होंगे। तो यू आर इन केस 4 और यू आर इन डिफॉल्ट। ओके, अब फिर से इसको रन करेंगे, यदि हम 1 प्रिंट करेंगे तो सारे केस प्रिंट होंगे। ओके, फिर से हम रन करते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे 1 वैल्यू इनपुट की और फिर मैं एंटर करूँगा तो यू आर इन केस 1, केस 2, केस 3, केस 4, मान इसका मतलब है कि यहाँ पर केस 1 प्रिंट होगा, फिर केस 2, फिर केस 3, केस 4, केस 4 के बाद फिर डिफॉल्ट भी प्रिंट होगा। तो इस तरह से आपने प्रोग्राम देखा कि स्विच केस स्टेटमेंट विदाउट ब्रेक स्टेटमेंट। ओके, तो विदाउट ब्रेक में हमारे सारे केस प्रिंट होते हैं, यदि हम चॉइस की वैल्यू जहाँ से प्रिंट करते हैं तो वहाँ से हमारे स्टेटमेंट प्रिंट होते हैं। तो यह प्रोग्राम आप बना के देखिए और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए कि आपको क्या प्रॉब्लम आई इस प्रोग्राम में बनाने के लिए। तब तक हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं जिसमें हम बनाएंगे ब्रेक स्टेटमेंट का यूज़ करके, स्विच केस का प्रोग्राम ब्रेक स्टेटमेंट का यूज़ करके। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए।